शुरू। कैसे? सुबह सवेरे माया के साथ। सोना चांदी के मशवरे 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 और मशवरे मशवरे और मशवरे। मेरी बात मान ले और बस कर। इसी बात पे गुस्सा होकर मुझे एकदम प्लेट मार। तू भी करता है। मैं नहीं हाथ उठा सकता। तुझे रोटी नहीं देनी। मैं तुझे बता दूं तुम्हें। तूने मुझे समझा क्या? मैं तो तू मुझे लतीफ समझता। अच्छा लतीफ। मेरा कोई नहीं है। तेरा कोई नहीं है? मेरा कोई नहीं है। जमाने में तू जो मर्जी कर ले। मैंने तुम्हें देखना प्यार के साथ। छेड़ने की कोशिश की है वो है तो बड़ा सेंसिटिव, लेकिन जैसे कि उरुज ने कहा कि एक टाबू बनाया हुआ होता है और उन चीजों को कहते हैं हाय इन बातों के बारे इन चीजों के बारे में बात नहीं करते। नहीं करनी चाहिए। अवेयरनेस बहुत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। हम जिस तरीके से हमने एक मजाक के अंदाज में हमने शुरू किया कि अक्सर सर की आंखों में पैगाम मोहब्बत देखा है, ये यूं तो सुनने में बड़ा एक मजाया मिसरा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक जनरेशन का परसेप्शन बिल्ट होता है। इसके पीछे जो वजह है इस बात को डिस्कस करने की, इस मौजू को आज लेकर आने की, वो पूरी जनरेशन जो उन बच्चों के जो मैं बात करी उनके हवाले से, हम जो यानी कि जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं उनके हवाले से वो क्या सोचते हैं। मजाक उड़ाते हैं लेकिन वो मजाक साथ साथ उनके दिमाग पे क्या असर छोड़ता है। कॉल कीजिए आप हमें 0800-7722 पे। कॉल कीजिए फॉर इंटरनेशनल कॉलर्स। आवर नंबर इज 0092-2132-270845। क्या आपको आप बता सकते हैं कि आपने अपने बचपन में कौन सी क्लास में कौन से सब्जेक्ट के टीचर को पैगाम मोहब्बत देते हुए देखा? जरूर मैसेज लिखिएगा। हमारे साथ हमारे स्टूडेंट साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, क्या बात है। तो मियां अक्सर सर की आंखों में पैगाम मोहब्बत देखा है? देखा है, देखा है। माइक 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 में जो बोलना है माइक में। हाँ हम तो सर की आंखों में देखेंगे, मिस की आंखों में तो नहीं देख सकते। मिस की आंखों में अपने लिए देखा? अपने लिए देखा, किसी और के लिए देखा? किसी और स्टूडेंट के लिए देखा? स्टूडेंट के लिए नहीं, दूसरे टीचर के लिए। टीचर के लिए देखा। और वो कौन से उसमें था आप कॉलेज में? आई वाज इन क्लास 7। क्लास 7 में थे। अच्छा कौन टीचर थे वो? वो टीचर थे हमारे मिसबा साहब थे। अच्छा। और वो मिस थी मिस गौसिया। अच्छा आज तो मिस गौसिया स्कूल में बता देते, हम नाम भी बता दिए तो इसको ये रहने थे। अच्छा फिर पूरे स्कूल में यही था कि जब वो जब मिस गौसिया की क्लास होती थी वो सर हमारे साथ ही बैठे होते थे। क्यों? मतलब वो दूसरी क्लास छोड़ के दूसरी क्लास के उनके जो स्टूडेंट थे बाहर घूम रहे होते थे और वो सर जो है वो क्लास में होते थे हमारे साथ, वो बैठे होते थे। कसम से आप लोग क्या करते थे, एंजॉय करते हो? वो भी हमारे साथ साइंस पढ़ते थे बैठ के। वो पता नहीं कौन सी साइंस थी, ये भी वो साइंस पढ़ते थे। अब सब्जेक्ट भी बता दिया। हाँ वो भी साइंस पढ़ते थे। मैंने पहले ही बता दिया था। हाँ टीचर जो है ना वो साइंस पढ़ाते थी और वो अपनी साइंस सही कर रहे थे। वो कह रहे थे मेरे और इनके रिलेशन में साइंस है, इसकी साइंस क्या है। वो अपनी केमिस्ट्री मैच कर रहे थे। वो अपनी केमिस्ट्री मैच कर रहे थे। सीरियसली कॉलर है मेरे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम उज्मा। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं उज्मा? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं बची, आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू, आपका ख्याल है। बात करनी थी। जी जी बोलिए। आपका जो टॉपिक है इसके हवाले से। अच्छा, मेरे इस एरिया का ये पहले कि मेरी अपनी गली का ना मसला है, ये हमारी ना एक रियलिटी थी। आपकी बात नहीं समझ आ रही मुझे उज्मा, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ जो आप कह रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, उस टॉपिक के हवाले से मैंने आपसे बात कर ली। जी जी बोलिए। मेरे एक रिलेटिव है तो उनकी ना ये जो आपका टॉपिक है ना वो सारा डिस्कस रिलेटेड है। अच्छा, हमारे ना इधर एक जाने वाले थे तो उसका ये बच्चा था, वहां उसकी डेथ होगी ना उनके फादर की। अच्छा, तो वो जो बच्चा था उसको लेके उसके घर वालों ने निकाल दिया ना, उसको कहते हैं कि उसके देवर के साथ शादी कर दो, तो उसको निकाल दिया घर वालों ने। वो फैसलाबाद शिफ्ट हो गई अपनी मम्मी के। अच्छा, वहां से उन्होंने बच्चे को मामुओं ने बड़ी अच्छी स्टडीज दिलवाई। अभी वो फर्स्ट ईयर में थी तो उसका एक टीचर के साथ ना अफेयर हो गया उस लड़के का। ठीक है, तो उस लड़के ने क्या कहते हैं कि घर वालों को मजबूर करना शुरू, वो दो टीचरें थी, पता नहीं वो दोनों दोस्त थे, दो टीचरें थी, दो टीचर एक साथ बच्चे को फंसाया। आई अल्लाह, आपकी आवाज वैसे समझ नहीं आई थी मुझे, उनकी बात काफी समझ नहीं। जी जी आप कुछ कह रहे हो। हाँ जी,
उनको वैरायटी बहुत मिल जाती है ना वहाँ पर, हद हो गई शराफत की वैसे। अच्छा आप बताइए, आप अगर स्कूल्स में ये हाल होगा तो टीचर्स ये हरकतें करेंगे तो स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा? वही मैं पूछना चाह रही हूँ, आप बताएं स्टूडेंट्स पे क्या असर पड़ेगा? ये उन तमाम लोग पढ़ाई छोड़ के किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं हो सकता। और आप सिचुएशन को जाहिर है नॉर्मल लोग तो एंजॉय करते हैं ना, और स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्या होगा? पढ़ाई करने के बजाय वो मोहब्बतों में लगेंगे या किसी और चीज की तरफ जाएंगे? मोहब्बतों में नहीं, वो उन चीजों की तरफ चले जाएंगे ऐसे कि कोई एंटरटेनमेंट हो, ठीक है ना, एक एंटरटेनमेंट बन जाती है। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग सब लोग, आप लोगों के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिस में, आप लोगों ने कभी इस तरह की सिचुएशन देखी जो कभी कोई सीरियस सिचुएशन या सीरियस रुख इख्तियार कर दे? अच्छा माया मैं बताती हूँ, सबको छोड़ो मैं बताती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ भी हुआ, मुझे सोच सोच के बताया जल्दी से। मेरे साथ तो ये वाला, हम लोग एक जगह जा रहे थे किसी प्रिपेरेशन के लिए, स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी की प्रिपेरेशन के लिए जा रहे थे। एंड वहाँ पे बड़ा, मैं नाम नहीं ले सकती, वहाँ पर हम गए। अब वहाँ पे वैसे तो नाम किसी और का था लेकिन पढ़ाते अलग टीचर्स थे, मतलब ब्रांड किसी और का था, ठीक है। अब वहां से हम निकले तो जो जिसका ब्रांड था, द ओनर ऑफ द प्लेस, उसने एक दिन मुझे रूम में बुलाया कि जी आप रूम में आए। मैं रूम में गई, मैंने कहा जी आज उन्होंने रूम में बुलाया, कोई नई चीज देंगे गुरु जी, कुछ हमको नया सिखाएंगे। मैं बड़ी खुश खुश गई अंदर, अंदर गई तो पहले उन्होंने सर पे हाथ रखा। अच्छा वो सर का हाथ रखना एक टीचर का नहीं था, तो मैं वहीं से क्लिक हो गया, वरना बहुत मेल टीचर्स हमारे सर पे हाथ रखते थे। बिल्कुल, जिसको स्कूल में थी, मैं कॉलेज में थी, बहुत सारे मेल टीचर्स थे, लेकिन उससे जिस तरह हाथ रखा और वो सर पे यूं क्या, आई वाज लाइक व्हाट इज डूइंग इट, जो है चेक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से कहा जी आपको कोई भी जरूरत हो आपको एडमिशन में, मैं हेल्प कर दूंगा, आपका एडमिशन करा दूंगा। मैंने कहा कौन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कौन है? मैंने भी देखा उसको, मैंने कहा ठीक है चले सर, तुम जाना चाह रहे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कहीं भी एडमिशन करवा सकता है, कहीं का एडमिशन करवा सकता है, आगे चले। फिर इसके बाद मैं बाहर निकल के नेक्स्ट से मेरी फ्रेंड को बुलाया अंदर। अच्छा नेक्स्ट